सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब रिलीज होगी, साथ ही में कैपराउंड की भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको कट ऑफ्स आप कहाँ से रेफर कर सकते हो, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके ऊपर तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया था एंड काफ़ी अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आया। तो अभी गाइज मैं आपको सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में गाइज जो डेट्स है वो अपडेट हो रही है, पहले कुछ अलग डेट्स थी, अभी जो डेट्स है वो अपडेट हो चुकी है। तो न्यू डेट्स के अकॉर्डिंग गाइज हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 7 अगस्त को जो है वो रिलीज होने वाली है। तो अभी काफ़ी टाइम है इसको, ठीक है, मतलब और 7-8 दिन है, ठीक है। तो 7 तारीख को हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में गाइज अगर आपको कोई मिस्टेक वगैरह देखने को मिलती है तो वो आप जो है वो करेक्ट कर सकते हो, एंड इसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक जो समय है वो दिया जाएगा, जिसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हो। एंड फाइनली 12 तारीख को हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। याद रखना, जिन भी स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आता है वही जो स्टूडेंट्स है वो कैपराउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जब भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आप अपना जो नाम है वो ज़रूर से चेक कर लेना, एंड जब अपडेट आएगा तब भी मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा, ठीक है। एंड देन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जो कि होगी गाइस 13 तारीख से प्रोसेस स्टार्ट, जो कि है गाइस कैपराउंड वन की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस जो है वो 13 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में जो है वो रहेगी। ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे कॉलेजेस के ऑप्शन डालना होता है, कैसे हमें प्रेफरेंस देना होता है, कैसे आप अपना ट्रेंड चेंज कर सकते हो, कैसे हमें ट्रेंड वहाँ पे सिलेक्ट करना है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको डिटेल में दूंगा एंड वीडियो भी बनाऊंगा। जैसे रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था उसी की तरह कैपराउंड का कैसे फॉर्म भर सकते हो उसका भी स्टेप बाय स्टेप आपको जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा, तो वो भी जो है वो ज़रूर देखना। एंड जो रिजल्ट है गाइस वो 18 तारीख को लगेगा, जिससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज हमें जो है वो अलॉट होगा। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि क्या हमें एक से ज़्यादा कॉलेज लग सकते हैं। तो देखो, जब भी आप अपनी कॉलेज की लिस्ट बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक ही जो कॉलेज है वो हमें अलॉट होता है। तो जब आप प्रेफरेंस दोगे तो सही से प्रेफरेंस देना, कैसे प्रेफरेंस देना होता है उसके ऊपर भी आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखना। एंड उसके बाद गाइज 19 तारीख से लेके तो 21 तारीख तक जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो रहेगी, वो कैसे करते हैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है, उसके ऊपर भी आपको सारी जो चीज़ है वो मिलेगी। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कैपराउंड से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन वगैरह वो नहीं रहेगा। अभी तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है अभी के लिए वो है 7 तारीख, जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें अपना जो नाम है वो ज़रूर चेक कर लेना, एंड फिर उसके बाद सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो जैसे ही लिस्ट आएगी उसका मैं आपको जो अपडेट है वो दे दूंगा। इसके अलावा गाइज जो कट ऑफ्स है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि सारे जो कट ऑफ्स है वो मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो है वो डाल दिए है। अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लेटेस्ट जो कट ऑफ्स है वो मैंने डाली है, जो कि आप रेफर कर सकते हो इस साल की कैपराउंड की लिस्ट बनाने के लिए। साथ ही में उस ग्रुप में मैं पुणे के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंबई के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज एंड नागपुर के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो लिस्ट है वो भी डालूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से रेंज में आपको कौन से कॉलेजेस जो है वो लग सकते हैं। तो वहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी, वो भी फ्री में। तो वो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के ऊपर अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इस साल DSE को हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो कैपराउंड 1 से लेकर तो 3rd तक सारे जो अपडेट्स है वो आपको टाइम पर मिलेंगे, एंड आपको नेट कैफे में भी जाने की जरूरत नहीं लगेगी, इतने अच्छे से आपको सारी जो चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस एंड ऑल। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अभी मैं आपको यही बोलूंगा कि अपने परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि कैपराउंड 1 तक आपकी एक अच्छी से जो लिस्ट है वो बन जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।